जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हेलो जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डियर, आप पहले मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल ईजी हैं या बिजी हैं? नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं ईजी हूँ, और आप खुल के बात कर सकती हैं। मुझे लग रहा है आप किचन में। नहीं नहीं, मैं किचन में नहीं, मेरा बेटा मेरे पास है, वो छोटी छोटी सी बातें साथ कर रहा है, 6-7 साल का है बेटा मेरा, तो वो साथ छोटी छोटी बातें कर रहा है, बाकी मैं फ्री हूँ बिल्कुल। सही होगा। और वैसे लाइन कितनी मजा की बनी है, बिजी है तो इजी है। ऐसे बातें जो आपस में मिल ही जाते हैं, अचानक मिली है, मैं बाद में सोच रही हूँ मैंने क्या बोल दी। तो वो आपने सुना होगा, मैं पैसे दे रही, किसी को कह रही थी घी के पैकेट लेके आना शॉप से। अच्छा, वो शायद आपने वो मेरी वॉइस सुनी होगी। वो ऐसा ही ना हो कि मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो आप प्याज लहसुन अदरक की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना वगैरह बना के आप ला के फारिग होके अपने रूम में बैठी। चलो गुड हो गया। तो क्या बनाया आपने? आज मैंने चावल बनाए हैं, बॉयल राइस और साथ में दाल बनाई। कौन सी? दाल चावल बनाए। हमारा भी आज सेम ही मेन्यू है। वाओ, बोला हो कि हम आपस में ठीक से रिश्तेदार भी निकल आए। हाँ, पहले ही बंदा इंट्रोडक्शन करवा ले। हमारे भी आज यही बन रहा है। वो आपने दाल सुनी है, माँ की दाल और साथ चावल? वो माँ की दाल होती है। नहीं, वो तो वाइट कलर की होती है ना, एक माँ की दाल भी होती है ब्लैक कलर की, वो मोटी वाली। वो ही काले माँ। तो अक्सर हम इस साल का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि माँ तो मिल गई, बाप नहीं मिला। वो एक्चुअली ना मेरे घर में ये सिर्फ ये मूंग की दाल, साबुत मसर और वो जो माश की दाल होती है वाइट वाली जो चावलों जैसी होती है, वो और चने की दाल बस ये बनती है। और कोई भी मैं दाल बनाता हूँ ना तो बड़ा बोलते हैं। और कौन सी दाल होती है? साड़ी तो माशाल्लाह यही होती है, बाकी दो तीन ही होती है, एक वो खिचड़ी वाली होती है, वो तो कोई भी नहीं खाती है ना। कौन सी? सबक हाँ हाँ, वो ही खिचड़ी वाली। वो भी नहीं बनती, और जो ये काली माँ आप कह रही हैं ये भी नहीं बनते मेरे घर। हमारी तो बहुत हमारी फेवरेट है। अभी बल्कि मैं सो रही थी, मैं उठी तो मम्मी कहती आज ये मेन्यू है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई। मैंने कहा क्या बात है, अब तो मैं एक क्लाइंट भी डील कर सकती हूँ जितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है। वैसे तो ये दाल चावल होती है ना, इस बंदे का वो जी भी नहीं उतरता, और ये मतलब हफ्ते में 2-3 मतलब अभी बन जाए ना तो ये चल जाते हैं जी। मैं कहती हूँ चल जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, इतने मजे के होते हैं। अच्छी बात है ना, वैसे भी कहते हैं ये चावलों का दाल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियों और दालों का, खासकर आप ये जो सीजन जा रहा है ना इतनी शदीद गर्मी का, उसमें इन चीजों को ज्यादा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो आजकल तो जितनी गर्मी हो गई है तो रोटियां तो वैसे नहीं बन रही। मम्मी तो अब यही कहती है, मम्मी तो थोड़े सिटवा ली है चावलों के, मम्मी कहते हैं बस चावल बनाई जाओ खाई जाओ, रोटियां कौन बनाए इतनी गर्मी में। गर्मी बहुत है और वैसे भी आजकल ज्यादा इतना रोटी को दिल भी नहीं कर रहा। ऐसे ही होता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, गर्मियों में तो वैसे ही कुछ नहीं खाया जाता, सलाद और यही हल्का फुल्का। मैं अम्मी को बोल के ड्यूटी लगा के आई हूँ, अम्मी सलाद का डब्बा तैयार कर दाल चावलों के साथ। बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो फिर ये होता है कि बंदा कोई इस तरह की लिक्विड चीज ले, खुद ही दिल कर इस तरह की चीज यूज की जाए। बिल्कुल। और सुनाए क्या काम करते हो? और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त काम करते हो।
मैं overlighthealth.com पे काम करती हूँ और मुझे अपना मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नेम कालसमा महबूबा और मैं इस कंपनी के थर्ड रैंक पे गोल्ड रैंक पे काम करती हूँ और मुझे इस कंपनी में वर्क करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 13 months हो गया, 13 महीने, ठीक है। और मेरे अंदर माशाल्लाह से 200 से 250 मेंबर्स की टीम है जिसे मैं ले कर चलती हूँ और गाइड करती हूँ माशाल्लाह। अच्छा ठीक हो गया। और मुझे लगता है वो भी अनमैरिड। हाँ जी बिल्कुल। आपको कैसे पता चला? वो नहीं, वो किस टाइम सोने वाली बुढ़िया नहीं होती है, वो ये नसीब कहाँ होता है ये कहो। हम जिस हालत में हो उन्हें तो किसी में नमाज चाहिए ना होता है। वाह यार क्या बात नोट की है आपने, जबरदस्त। आपने का एक्सपीरियंस है और चाहे वो जो स्कूल की तरीम वो चाहे कम ली हो लेकिन इस जो जिंदगी की हकीकत है इसमें हम जैसी जो वोमेंस है ना हाउस वाइफ उन्होंने PhD की होती है। एग्जैक्टली ये बात तो है, वरना यकीन करिए ऐसी ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो शादी से पहले इतनी नॉन सीरियस होती हैं और जब शादी के बाद एक साल भी ससुराल में रह के आ जाती हैं फिर पहचाने नहीं जाते कि वाकई तुम वही हो कि बदल गई हो, तो कहती हैं नहीं यार बस जबाने ने समझदार कर दिया। और वाकई ये सही बात की आप क्या करती हैं, आपकी क्या तरीक है? मैं कोई भी मसरूफियत नहीं है, मेरा एक बेटा है, हस्बैंड है और एक ससुर है मेरे साथ, तो बस अपने घर का काम ये वो। और मैं अपना ना एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने आज से तकरीबन कब मेरा बेटा 1.5 साल का था बल्कि साल का ही था, तो मैंने एक कंपनी थी ऑल फिल्म कंपनी, शायद आपने नाम सुना भी होगा, उसको मैंने ऑल फिल्म कंपनी थी ये कॉस्ट मैक्स की, यानी कि इमेज इमेज इस तरह की थी, बहुत अच्छे से जाना, तो मैंने उसको ट्राई किया हुआ था। उसकी ट्यूशन फीस तो मतलब माफ थी, कोई भी नहीं थी और ऑनलाइन वर्क था और वो उसमें लेटर था, तो तब जब रजिस्ट्रेशन करवा ली, ग्रुप में नंबर दे लिया, सब हो गया, तो जाहिर बात उन्होंने फिर कर बताना काम था ना था मैंने कर किया था, मुझे यानी कि जाती हूँ अपनी जरूरत करती हूँ और कभी कभी जाती हूँ ऐसे, मतलब मुंह उठा के कहीं भी किसी टाइम नहीं जा सकती हूँ, मुझे परमिशन नहीं है। तो उन्होंने पता क्या काम दिया, तो उन्होंने पता आपने अपने शहर के जितने भी छोटे बड़े कॉलर है ना वहाँ पे जाके आपने विजिट करना है और उनको आगाह करना है कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करें और हमसे ये फीचर पैकेज लिए वो चीजें सारी लें। अब उनकी कंपनी इतनी महंगी थी कि वो पहले तो एक दो चीजें मैंने खुद वहां से परचेज की, उसके बाद जिसको भी रिकमेंड करती थी बताती थी कि आप इसको ज्वाइन करें ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है ये है वो है, वो कहती उनका पहला जो वर्ल्ड होता था वो होता ही ये था कि ये बहुत महंगी हम हमारे अफोर्ड में नहीं है, तो प्राइस का बड़ा इश्यू था। मैंने उसमें मतलब कोई 2-3 हजार रुपया खुद लगा दिया लेकिन 1 रुपया भी को ना वो भी मैंने वहां से नहीं लिया। तो अब ये था ये जो अलग की कमल है इसकी टिकटॉक पे मैंने देखी थी इसकी वीडियो और उसकी उसमें कहा था कि ऑनलाइन वर्क करने के लिए लड़कियां चाहिए, तो मैंने फिर कमेंट किया और इसने बड़ी जल्दी रिस्पांस भी दिया। अच्छा फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा कि अब घर में बैठ के मोबाइल भी है वाईफाई लगी हुई है सारा दिन मोबाइल पे ऐसी चीजें देखती रहती हूँ, अगर मैं ऑनलाइन वर्क कर लूँ तो वो कहते हैं कि करने को सोचिए कर लो लेकिन ये चीज जरूर देखना कि यार इसमें फेक काम बहुत देता है। अब फिर मैंने एक दो और से बात की, वो उनका ये कहना है कि आप ऐसा करो कि अगर आपके आसपास में कोई कर रहा है ना ऑनलाइन, कोई फ्रेंड कोई बहन या कोई भी रिश्तेदार कर रहा है जो आपके अटल है और आपको पता है कि ये रियल काम है, आप सिर्फ उसी के साथ करो,
अगर आप ये जो टिकटॉक से कोई वीडियोस देखते हैं तो उस पे आप कमेंट करके उनकी तरफ जाते हैं, वो क्या करेंगे कि जो काम है वो पहले पैसे मांगते हैं ना, वो काम होता ही 100% सेफ होता है। और जो यानी के जिसमें कोई भी रुपया भी नहीं लगता वो काम ठीक होता। अब मुझे इन बातों का सीरियसली इतना नहीं पता, मैंने कम बने बातें तो अच्छी की हैं, लेकिन फिर भी ये था कि नहीं मैं किसी और से पूछूं, और मुझे फिर बहुत सारी चीजों का कमल को खुद नहीं पता। अब मैंने कहा कि ये जो कंपनी नाम तो सुन लिया मैंने, अब इनका काम क्या है, ये काम करवाते क्या है। फिर उसने मुझे कहा कि हम अपने सीनियर से बात करवाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है बात कर लेते। राजू ये बना था कि आपको आपकी कॉल आई थी तो वो मेरे बेटे ने ना कॉल काट के, मैं तो खुद आराम से कार्टून देखता रहा और मैं छत पे थी, जब मैं नीचे थी तो मैं बोली थी तो मम्मा कॉल आ रही थी तो वो मैंने कार्टून देखते ना इसलिए मैंने काट दी। आज वो अभी मेरे पास ही था तो मैंने कहा चलो पहले मैं कॉल कर लेती हूँ फिर तुझे देती हूँ, तो वो मेरी गुप्त में सो गया। ओके चले सही हो गया। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई आपकी सारी बातें, बहुत अच्छा कि आपने मुझे हर चीज़ बता दी, तो अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश बोलिएगा। ओके तो इंशाल्लाह ताला इस कॉल के बाद आपको कोई भी इशू कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यकीन करें। मेरे पास 8 से 9 क्लाइंट्स आप पे टाइम दे दें, आप पे टाइम दे दें, लेकिन कमल ने इतना कहा कि ये बहुत अच्छे से ना मेरे से बात कर रही थी, इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, बस ना शायद किसी की बातों में आ गई है या फिर किसी ने नेगेटिव कर दिया। मैं कहा नहीं डियर देखें किसी ने नेगेटिव नहीं किया, बात इतनी होती है कि जब किसी पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन करना वो आपके साथ क्वेश्चन करेगा, उसे सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन इतना फ्री तो होता नहीं है कि वैसे ही आपके पास घूमने फिरने आ रहा है या डिटेल लेने आ रहा है, सिंपल सी बात है। बस बात इतनी है कि जो उन्हें आंसर चाहिए उतना आप उन्हें आंसर कर लें, और किसी को अपने गन पॉइंट पर तो ज्वाइन करवाना नहीं है कि ज्वाइन करें ही करें या फिर वो दुनिया की आखिरी लड़की है। हमारा मकसद किसी को सिर्फ अपना 100% देके गाइड करना होता, अगर ज्वाइन करना ना करना वो उसकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो अब हम बात शुरू करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं आपकी तालीम कितनी है। मेरे वैसे सही है, तो मतलब आप इजीली बातों को समझ सकती हैं, ऐसे पढ़ाई इनफ होती है बातों का अंडरस्टैंड करने के लिए, इनफ है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जी बिल्कुल जी आपसे बात करके मुझे पता चल गया कि आप माशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेती हैं, इतना तो हमें भी बात करके ही पता चल जाता है नेक्स्ट पर्सन से। 13 महीनों का एक्सपीरियंस यही है बस लोगों से बात करने का, तो नेक्स्ट पर्सन बस जब जुबान खोलता ना तो उसकी नेचर का पता चल जाता है। अगर यकीन करें आपका बिहेवियर रूड होता तो मैंने इधर ही आपको स्टॉप कर देना जी। मैंने अपने बेटे को भी उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई हुई है ना, तो मतलब जुमरे का वो जुमरा सिटी है फैसलाबाद के साथ में, एक छोटा सा किसी जमाने में कस्बा होता था, लेकिन अब वो माशाल्लाह से सिटी है, दिख तो नहीं है लेकिन जितना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो ठीक है। तो उसका टॉपर स्कूल है जिसमें मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड का काम भी बेहतर है, मतलब ठीक तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन बेहतर है, जिसमें हमारा अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा है। अब मैं कुछ करना चाह रही हूँ ये मुझ पे है, और मैंने उनसे परमिशन ली हुई है तो वो एग्री हो गया है, बस वो ये कहते हैं कि देखो ये ध्यान जो भी करना है ध्यान से करना, क्योंकि कैसे भाई जाए ऑप्शन है नहीं। और कमल से भी मैंने यही कहा कि मैं कोई ऐसा काम हो जो मोबाइल से मैं कर सकूं, और बस ये फेक ना हो, बस मुझे इस चीज से डर लगता है, और बाकी आपका भी माशाल्लाह बिहेवियर बहुत अच्छा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपका हर बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये कंपनी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी बॉय ऐड नहीं है, आपने जितने भी वर्किंग करनी है ना वो सारी फीमेल्स के साथ है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैं इस कंपनी में 13 मंथ से काम कर रही हूँ, और हमारे सीनियर यहाँ पे 4-4 साल से काम कर रहे हैं, और आज तक हमने कभी अपनी सीनियर को नहीं देखा कि वो कैसी हैं, कहाँ हैं, फिज़िकली कहाँ पर रहती हैं, नो इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ अपनी वर्किंग की बात करते हैं, वर्किंग सीखते हैं और अपनी लाइफ में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आप टेंशन फ्री हो जाएं कि आपने कहना कि
कमरे से भी बाहर नहीं निकलना, बेशक आप कमरे के कोने में बैठ के काम करें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। आपने किसी को देखना, ना कहीं जाना है, ना किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, हर चीज़ मोबाइल के थ्रू होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से तो आप टेंशन फ्री हो जाए। ओके, तो अब जो आपका सबसे दूसरा क्वेश्चन है कि फेक और फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया फेक फ्रॉड ना हो जाए, तो प्यारी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ फेक होती है ना, वो अपने आप को फैलाती नहीं है, सही। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि आपकी मैं असाइनमेंट वर्किंग की, उन्होंने नंबर लेके ब्लॉक कर दिया, उन्होंने नेक्स्ट गाइड नहीं किया, तो वो क्या होता है कि वो झूठ होता है ना, वो अपने आप को आगे लेके नहीं जाते, प्रमोट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पे जी, मैंने भी ऐसे सुना हुआ है जी, मैंने भी ऐसे सुना हुआ है कि वो मेहनत खूब करवाते हैं, तो जब पे लेने का टाइम आता है तो या वो बैठ देते हैं या फिर वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। मैंने भी ऐसी बातें सुनी है। जी जी बिल्कुल। देखें डियर, मैं आपको बता दूं कि आजकल के दौर में एक रियल प्लेटफॉर्म सर्च करना ना बहुत 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 मुश्किल काम हो गया। कि मैं इस कंपनी में वर्क करने से पहले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आईटी की स्टूडेंट हूँ, और जब मैंने सेकंड ईयर की थी ना, मेरी तब से ये विश थी कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मैंने घर से बाहर जाके नहीं कमाना, ठीक है। और ऊपर से मैं श्रेय पर्दा करती हूँ, और मुझे बॉयज के साथ काम करना और बॉयज से लेके चलना उन्हें, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब ऐसा नहीं कि मुझे घर वाले बड़ी बातें सुनाते हैं कि इतना पढ़ लिख के घर बैठ के हो, जो मेरी दो बड़ी सिस्टर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो सारे मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम आउट ऑफ कंट्री आओ, पढ़ाई कंटिन्यू करो, ये करो वो करो। लेकिन मुझे पता है कि जब हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो वहाँ पर तो उन्होंने कहना है कि अगर आप यहाँ पर आए तो आपने हमारे लिहाज से यूनिफॉर्म भी पहनना है, पेंट शर्ट भी पहननी है, लोगों को डील भी करना है। तो मैं वो चीज़ पर्सनली पसंद नहीं करती, प्रेफर नहीं करती, तो मैंने सबसे इनकार कर दिया कि नहीं, यही कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। जैसे मैंने अल्लाह पाक से मांगी थी, अल्लाह पाक ने मुझे वैसा दे दिया, ठीक है। तो हाँ जी, ये चीज़ तो आपने तो किस तरह ज्वाइन किया था? मैंने किस तरह किया था? अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली जो मेरी सीनियर थी ना, वो भी मेरे लिए अनजान थी, जैसे आप मेरे लिए अनजान है ना, तो मैं उनके एक कुकिंग कोर्स में ऐड हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, तो वहाँ से मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने ज्वाइन किया। और ये नहीं है कि मेरी ज्वाइनिंग बहुत आसानी से हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी, नेगेटिव क्या लोगों ने, फेक हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, लड़की हो ससुराल जाना है, ये होगा वो होगा, मतलब ऐसा था कि जैसे ऑनलाइन वर्क नहीं करने लगे, गुनाह कबीरा करने लगे, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी आसपास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेप लिया और आज कामयाब है, तो वो सब लोग भी साथ हैं जो बातें करते थे। यकीन करें, जब मेरा पहला 70,000 का चेक आया था ना, तो जो मेरे चाचा ने मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव किया था ना, वो मुझे अब मेरे नाम से बुलाते नहीं हैं, वो मुझे 70,000 वाली मैडम, 70,000 वाली मैडम इस तरह मुखातिब करते हैं, यकीन करें। बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव लोगों से, मैं आपको बताऊं कि सबसे मेन चीज़ होती है अपना फैसला करना, उस पर अटक जाना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आज फैसला किया, कल किसी ने कुछ कह दिया, बदल गए। पहले जब अपना फैसला करना, उसी को सोच समझ के करें, ये क्या चीज़ होती है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्या अल्लाह पाक ने आपको अपना माइंड, अपना कान, अपनी आंखें नहीं दी कि आप देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, ठीक है। तो जिससे आप मशवरा ले रही हैं, एटलीस्ट उससे तो देख लें कि वो अपनी लाइफ में कितना कामयाब है। वो खुद वेला सारा दिन बैठ के गीत बजे करता है, तो उसने आपको कामयाब देखिए क्या नसीहत करनी है, ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। आवाज़ आ रही है? इंसान के अंदर ना अपना होना चाहिए कि अगर वो कोई फैसला कर लेता है तो फिर उस पर अटल रहे, ठीक है। और इस कंपनी में वही कामयाब होता है जो अपने फैसले पे कहते हैं ना, कि अब जैसे कि मुझे बहुत नेगेटिविटी सुनने को मिली, अगर मैं एक स्टेप पर दूर हो जाती ना तो इतनी कामयाबी कभी नहीं थी होने, ठीक है। क्यों हम ये कभी डिमांड नहीं कर सकते कि हमने पहला स्टेप लिया तो लोग हमारे साथ पहले स्टेप पे ही आ जाएं, ठीक है। लोग ऑनलाइन वर्किंग की तरफ रुझान किया, मतलब एक दो मरतबा पहले भी सोचा था, और एक
पहले हो गई मैं ऑल टाइम कंपनी की तरफ से जो मैं बात कर रही थी, तो उसके बाद हम लग रहा था मैंने कहा जो मुझसे ज्यादा जिनकी स्टडी है और ज्यादा एक्सपीरियंस है और बाई निकलती है उनसे मैं पूछती हूँ कि इस बारे में क्या, और सही बात पूछे ना मुझे ये भी इलम नहीं था कि इसमें कोई काम फेक भी होता है, मुझे ये था कि ऑनलाइन वर्किंग होती है और इसमें ये है कि तनीम की कोई कैद होगी कि आप कितना पढ़े हो क्या कैसे करोगे क्या क्या, ये चीजें मेरे लिए थी जेन में। और बाद में पता चला कि नहीं तलीम का इतना नहीं हो रहा, वैसे फेक फ्रॉड जो है ना ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो लेकिन ये कि मैंने सुनी सबकी बातें थी, लेकिन मैंने फिर भी अपने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा मैंने एक मरतबा बात करके जरूर देखनी है और अगर काम मेरे समझ में आएगा मुझे लगेगा कि मैं कर सकती हूँ ये काम तो मैं इंशाल्लाह तआला करूंगी, आपने मुझे मना नहीं करना। वो कहते हैं पता तो तुझे है कि भाई तू जाती नहीं है तो घर में रह के जो करना वो भी तुम कर सकती हो। तो अभी वो मेरे पास ही थे तो जब कॉल आई गई तभी वो उठ के गए हैं भाई, मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात करना चाह रही हूँ, तो क्या फिर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, तो वो भाई चले गए। माशाल्लाह इसका मतलब कि काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है आपके साथ। अच्छी बात लव मैरिज है बहुत पेटा पला लव मैरिज के बाद तो फिर तो फेक मौके सुननी पड़ती है। चलिए आप अभी बता दें और कितने सरप्राइजेस हैं जो आपने आगे जाके खोलने, एक साथ ही खोल दें। बस यही है और कुछ नहीं। चलिए सही है। तो हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रही थी कि हम फेक फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ झूठी होती है, स्कैम होता है, धोखा होता है, वो कभी भी अपने आप को नहीं लेके चलते, ठीक है। क्योंकि आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे अंडर ना अभी एक गवर्नमेंट टीचर ने ज्वाइन किया जो 10 सालों से ऑनलाइन नहीं, एक वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, और यकीन करें आज तक वो जो है ना सिर्फ अपने एक किराए के घर में रह रही हैं, और उनकी सबसे बड़ी वेश है कि वो अपना घर खरीदें, ठीक है। और एक डॉक्टर हैं जो मेरी टीम में आ गई हैं, क्योंकि जो एक जॉब है ना उस पर इंसान कभी नहीं रह सकता, क्योंकि जॉब तो है ही किसी की गुलामी, किसी के अंडर काम करना। तो हमारे तो ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, बच्चों को लाइफ देनी है अच्छी, हज करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस ये तो हम चीज़ें कभी भी कहने के जॉब के थ्रू हासिल कर ही नहीं सकते। और ये भी बात आपको बता दूं कि आजकल के दौर में इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको कहीं से भी आके बुद्धू बना के चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे जो मेन चीज़ होती है दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना, कि दुनिया किधर है और हम किधर हैं, अपने आप को डेली अपडेट करें। तो जैसे कि हमारे हाथों में मोबाइल है, अगर ये डेली अपडेट हो रहा है तो हम तो फिर अशरफुल मखलूकात, हम कैसे एक ही जगह स्टॉप कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ ओके, तो ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पेज जी बताएं ये लगी हुई है, और ये ना असल में देखा जाए तो इस टाइम हम मोबाइल यूज जी सी डियर बोलें मोबाइल यूज मैं कह रही हूँ कि घर में वाईफाई तो लगी हुई है ऑलरेडी, और मेरे हस्बैंड का काम भी यही है ना, नेट का ही है काम भी। अच्छा। वो उसके अलावा ये कि मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो और ये है कि हम मोबाइल को कम यूज करते हैं, मोबाइल हमें ज्यादा यूज करते हैं। और सही बात पूछने आईसेट वीक हो गई है, मेरा बेटा वो मोबाइल को बगैर रहते ही नहीं है। आपको कमाल की बात है कह रही है, मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, कि यही बात है कि मोबाइल हम कहते हैं कि हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे होते, मोबाइल हमें यूज़ कर रहा होता है। जब दिल करता है टिकटॉक पे, जब दिल करता है ड्रामे फिल्में स्क्रॉलिंग फजूल काम, फिर जब यकीन करें रात को हम सोते हैं ना, पूछे ना कि हमने क्या किया सारा दिन, तो बस नेगेटिविटी ही आती है कि गुनाह कमाया, ये क्या वो क्या, एक भी प्लस बात माइंड में आती नहीं है। वो बड़ा वो कहने की एम्बेरसमेंट वाली बात होती है कि इतना पैसा इतना नेट लगा के तो हम ऐसे ही फजूल बैठे हुए हैं, तो क्यों ना इससे कुछ कमा लें, माशाल्लाह सही होगा। तो हाँ जी
चले हम जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरी ट्रेनिंग है सीनियर के साथ, तो वो उसमें मैंने लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है? तो मैं जल्दी से आपको बातें तो मैं आपको ये बता रही कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेजेस हर जगह मौजूद हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ पे चाहे जाकर विजिट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। और उसके अलावा जो है आपको गूगल का तो पता ही होगा, पता है गूगल का? जी, तो गूगल पे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि गूगल के ऊपर कभी भी कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं होती, ठीक है? हमेशा जो गूगल है वही चीज़ प्रमोट करता है जो रियल होती है और अथेंटिक होती है, क्योंकि आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर भेजनी है, उसका कोई फीडबैक लेना, वो आपको हमेशा अथेंटिक ही देगा। उसने ये नहीं कहना कि कंपनी इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है तो उसको आप फेक आगे दे दें, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? वो जो चीज़ रियल है उसे ही रियल बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी की जो रेटिंग है वो गूगल के ऊपर 100/100 है, और गूगल के ऊपर 100/100 रेटिंग लेना कोई छोटी बात नहीं है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपको FBR का पता है? FBR का मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने कहना ये तो बहुत अच्छे से पता है कि देखें यहाँ पे जो हमारे टैक्सेस वगैरह हम पे करते हैं ना, कि जैसे हमारा कोई बिल आया, मिसाल के तौर पे ये बिजली का ही बिल आ गया, या फिर ये जो वाईफाई का बिल है वो तीनों है, कि पहले हमारा 3,000 था, फिर 3100 हुआ, फिर 3200 हुआ, फिर 3300 हुआ, कि मतलब हमने अपने MB ज़्यादा नहीं करवाए लेकिन उसका बिल ज़्यादा हो रहा था। तो जब हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा काट दिया नेट के ऊपर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम ये कहें कि हमने सिर्फ बिल पे करना, हमने टैक्स वगैरह पे नहीं करना, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? बेशक लोगों के घर खाने की रोटी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल अपना पूरा पे करना होता है, ठीक है? ये सारा जो है ये FBR का कंट्रोल है, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है वो FBR से रजिस्टर्ड है, और हमारी एक एक चीज़ FBR के नोटिस में है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हर चीज़ गवर्नमेंट को पता है, सही हो गया? गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि माशाल्लाह से ये फीमेल्स के लिए अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, फीमेल्स यहाँ पर वर्क करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, ओके? और इसके अलावा अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि आप यहाँ से कितना कमा चुकी हैं, आपको यहाँ से कितना बेनिफिट हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैंने अपनी वो पूरी वीडियो अपने अकाउंट की, मैं कितना कमा रही हूँ, कब से काम कर रही हूँ, वो हर चीज़ मैंने यूट्यूब पर बना के अपलोड की हुई है, ठीक है? तो आपको ना वो भी मैं शेयर कर दूँगी, लिंक भी दे दूँगी, हर चीज़ आपको FBR का फॉर्म भी, रेटिंग भी, हर चीज़ आपको दे दूँगी, आप अपने दिल की मुकम्मल तसल्ली कर लीजिएगा, ओके? हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फेक फ्रॉड की बात समझ आ गई? ठीक है, सही। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की, कि वर्किंग क्या है, काम करना कैसे है, पैसे कैसे आएंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक होगा? तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिकली ना, इसमें तीन चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी कि एक तो ये फीमेल्स की कंपनी है, इसमें कोई बॉय ऐड नहीं है, सिर्फ एक ओनर है जो बॉय है, बाकी सब फीमेल्स हैं, ठीक है? स्टार्ट में हमारी कंपनी में बॉयज़ भी थे, लेकिन सर ने इस चीज़ को फील किया कि आलमा, हाफजा, हाउसवाइफ, काफ़ी बहनों के भाई, काफ़ी बीवियों के शोहर अलाउ नहीं करते कि आप बॉय के साथ काम करें, ठीक है? उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उन्हें डील करें, उनसे बात करें। तो फिर सर ने ये चीज़ फील की और सर ने बॉयज़ को कंपनी से रिमूव कर दिया, ताकि फीमेल्स हैं वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर सकें, ओके? तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी अर्निंग फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि आपको हर मंथ यहाँ पे 10,000 मिलना है या 20,000 मिलना है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि अगर मैं इस कंपनी में आती, मैं यहाँ पे कहती कि मुझे हर मंथ का 10,000 दें, तो उसमें डी मेरा ही नुकसान था, ठीक है? आज मैं यहाँ से 13 मंथ्स में मैं यहाँ से लाखों कमा चुकी हूँ, और यकीन करें जिस मोबाइल से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, 1 लाख का मोबाइल मैंने अपनी पर्सनल इनकम से परचेज़ किया, जिसमें 1 रुपये की भी मेरे पेरेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 13 महीनों में, सही होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपके पास जितना जितना एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना उतना आप कमाती जाएंगी, ओके? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मतलब ये बात है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना उसका उतना ही सिला मिलेगा। एग्जैक्टली, आपकी बात करने का ये मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही सिला मिलेगा। अब ये नहीं है, क्योंकि आप देखें आप जब जॉब करती हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जॉब में हमें हमारी मेहनत के मुताबिक नहीं दिया जाता,
ठीक है, वहाँ पे हमें क्या ना कि प्राइवेट स्कूल में तो स्पेशली गधों की तरह हमसे काम करवाया जाता है कि 8-8, 9-9 घंटे वहाँ पे ड्यूटी दी जाती है, फिर उसके बाद घर आके भी उनका लेक्चर प्रिपेयर करें, पेपर चेक करें, रिजल्ट बनाएं, मतलब 10 से 12 हज़ार के लिए हम अपनी पूरी लाइफ वहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और फिर इतनी ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है कि वो एक अभी आज इंटरव्यू ले रही थी मैं एक मेम्बर का, तो वो कह रही थी कि अगर हमें 8:01 हो गया ना तो हमारा 1 मिनट का भी 0.25 कटिंग होती है सैलरी से, और लेट कमर्स में हमारा नेम मेंशन हो जाता है 1 मिनट भी। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी इतनी, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपकी मेहनत का सिला नहीं रखा जाता, मेहनत करेंगे तो अर्निंग होगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है कि जैसे आप कोई जॉब करते हैं 9 to 5, आपने इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, नो, जब आप बिजी हो, जब कंफर्टेबल हो, उस टाइम पे आप काम कर सकती हैं। ओके, सही होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग क्या है। वर्किंग में बेसिकली यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे सेलिंग का, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का। और जैसा कि आपने कहा कि हज़ारों के प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि एक लड़के भी बता रहे थे कि 26,000 का तो सिर्फ एक कंपनी का। आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी भी काट रही है? नहीं, वैसे तो आप इतना बड़ा दिन होता है, किसी टाइम बात कर लेती। वो ना बेसिकली मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसके बाद फिर टीम को देखना होता है, 2 घंटे आगे सोना होता है, तो फिर काफ़ी टफ रूटीन हो गई है ना मेरी। और माशाल्लाह मेरी 250 मेंबर्स की टीम है, तो फिर उनको रिस्पॉन्स करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यकीन करें 4-4 दिन से लड़कियाँ पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं कि आप एक गाइड कर दें, तो लेकिन टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर। कई ऐसा काम हो गया ना, एक टाइम होता है कि आपको सिर्फ अपनी टीम की मैनेजमेंट करनी होती है, फिर आपको अपनी डायरेक्ट वर्किंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब यकीन करें आप मेरी मेंबर की भी मेंबर हैं आगे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेरी सीन जो कमल है मेरी मेंबर नहीं है, मैंने अपने डायरेक्ट मेंबर्स को छोड़ के अपनी मेंबर की मेंबर को गाइड कर रही हूँ कि चले कोई और पर्सन कामयाब हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारी तरबियत इस तरह से की जाती है कि अपने से पहले अपनी मेंबर का सोचना है। यहाँ पे हद तक अगर मैं अपनी डायरेक्ट मेंबर को गाइड करती तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलना था, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस पैसा नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा फोकस है लोगों की कामयाबी, अपनी टीम की कामयाबी। आपका बहुत थैंक यू कि अगर आपने इतनी तवज्जो दी मेरी तरफ भी। जी भाई बिल्कुल, इंशाल्लाह इस कॉल के बाद देखें आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन इस कॉल के बाद अगर मैं अपने आप से पूछूंगी ना काजमा क्या तुमने अपना 100% दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000% की गारंटी आएगी मेरे अंदर से, कि मतलब मेरी लाइफ में कोई काश नाम की चीज़ नहीं होती कि काश तुम उसे अच्छा गाइड करती, काश वो ज्वाइन कर लेती, ठीक है। मेरा काम अपना 100% देना है, आगे वो ज्वाइन करे। जी करनी है, अब मेरे अंदर मैंने सिर्फ सिंपल एक ऐसे किया हुआ, मैंने उस हिसाब से करनी है ना, ये ना हो कि उसको बहुत ट्रेनिंग की या स्टडी की जरूरत हो और वो मेरे पास हो ना, मुझे कुछ बातें समझ ना आए। देखें जी, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, फिर मैंने कोई इंग्लिश नहीं बोली आपके साथ, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की, ठीक है। हमारी कंपनी में माशाल्लाह से मिडिल पास गर्ल्स भी अपने कह लें कि कमाल के लेवल तक गई हैं, और ऐसी गर्ल्स जिन्होंने BS किया, मास्टर किया, PhD की, उन्होंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया। किस लिए? कि उनमें एटीट्यूड आ गया कि मैंने पता नहीं पढ़ाई कर ली, पता नहीं क्या चीज़ हासिल कर लिया। अल्लाह की बंदी, अगर पढ़ा है तो अपने लिए पढ़ा, लोगों से लोगों को तुम्हारी पढ़ाई से क्या फर्क पड़ता, ठीक है। लोगों को किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही हो? कुछ लोगों के अंदर इस तरह की होती है ओवर एक्टिंग, लेकिन माशाल्लाह से आप इतनी लिखी हो, लेकिन आपके अंदर ये कुछ भी नजर नहीं आया। तो डेट यहाँ पे ऐसे लोग कभी कामयाब हो नहीं ना सकते। अगर मैंने कामयाब होना तो सारी चीज़ें तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर से ख़त्म करनी होंगी ना। मैं टीम को क्योंकि एटीट्यूड नहीं करना, नखरे नहीं करने, और मेरे अंदर खुद कूट कूट के पड़े हों, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। दूसरों को क्या कहते हैं, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, तो ये तो बड़ा मसला हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, काम नीचे में है, पैर के गांव चीनी भी किसे का नेट देखूंगी। अच्छा चले, तो जी
बिल्कुल सही बात की है। और अब मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, अभी 10 मिनट, हाँ जी 10 मिनट आ गए, और 10 मिनट मैंने आपको 4 डिपार्टमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको फटाफट बात समझाऊंगी, और फटाफट समझिएगा, ओके? तो यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि इसके बाद अगर एक्सप्लेन करूंगी कि अगर मुझे इसके बाद में अगर कुछ पूछना हो या मुझे नहीं समझ में आ रही होगी जो बात, क्योंकि 4 ऑप्शन बताए हैं वो तो उस लड़की ने, कमल ने भी मुझे बताए थे, तो उसके बाद मैं वॉइस पे कॉल पे बात कर सकती हूँ। मेरे से आपकी बात करनी है ना, क्योंकि आपकी बात मुझे सही समझ लग रही है, कमल की बात का मुझे नहीं इतना पता चल रहा, वो कुछ खुद बोल जाती है। अच्छा चलें जी, रेट बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। अब आपसे ये प्रॉमिस मैं नहीं कर सकती कि आप इधर से कॉल करेंगे उधर से मैं पिक कर लूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स लाजमी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मेरी टीम काफ़ी बड़ी है और रूटीन काफ़ी बिजी है, ठीक है? तो ये चीज़ का आपसे प्रॉमिस है कि ये जब दिल करे रात के 3 बजे भी दिल करे ना मैसेज करने का, कोई क्वेश्चन आ गया तो कर दें, ठीक है? तो सोचना समझना कुछ नहीं, बस मैसेज कर दें, ओके? बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ अभी आपको गाइड कर रही, मेरा काम ही आपको कामयाब करवाना, ओके? बस आपका एहसान होगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अब ऐसा एहसान वाली बात नहीं है, बस दुआओं में याद रखा करें, और कुछ नहीं। अच्छा चलें, चला तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, सेलिंग का डिपार्टमेंट है। सेलिंग का ये है कि ये नहीं है कि आपकी कोई हज़ारों के प्रोडक्ट है या लोगों के घर जा जाके अपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, बिल्कुल नहीं। कंपनी के 4 से 5 होम्योपैथिक प्रोडक्ट होते हैं, और वो भी प्राइजेस की होती है 1300, 1400, 1500, ठीक है? मैक्सिमम इतने, इससे ज़्यादा नहीं होते। और ये सेलिंग का डिपार्टमेंट भी अभी इसी साल कंपनी में आएगा। कुछ फीमेल्स ने क्या नहीं कि फरमाइश की थी सर से कि हमने सेलिंग का काम करना, हमें अच्छा लगता, तो उनके फरमाइश पे ये कंपनी में आया था सेलिंग का काम, ठीक है? लेकिन ये ऑप्शनल है, करना करें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं, ओके? तो नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट है मोटिवेशनल स्पीकर का। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से ही समझ आ रहा है कि मोटिवेट करना, गाइड करना। अब जैसे कि अक्सर लोग होते हैं वो अपने जीने की होप छोड़ चुके होते हैं कि जैसे इस दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है? वो बेमकसद इस दुनिया में आया, लेकिन जो हमारा उस्ताद होता है वो हमें बताता है कि बच्चे आप इस दुनिया में बेमकसद नहीं आया, आपका इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, ठीक है? जबकि अल्लाह पाक ने उसके दरख्त को बेमकसद नहीं बनाया, उससे ऑक्सीजन, साया, फ्रूट और बेतहाशा चीज़ें, हम लकड़ी, कितना कुछ हासिल करते हैं। तो हम अशरफुल मखलूकात हो के कैसे हम ये सोच सकते हैं बस खाना पीना सोना और दूसरों की गिबतें करना बस यही ज़िंदगी है? ऐसा नहीं है, ठीक है? ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा पर्सन हमें चाहिए होता जो हमें बताए कि बच्चे ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलो, ये रूट सही है, सही है? तो ये काम होता है मोटिवेशनल स्पीकर का, कि हर डिपार्टमेंट में टीचर की ज़रूरत लाजमी होती है, ठीक है? तो ये काम हमारे टीचर्स करते हैं कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, आपको ट्रेन किया जाता है, और फिर आपकी कह लें कि यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो अभी वो मशरा से हर वीक में हमारी 500+ मेंबर्स की ट्रेनिंग होती है। आपके अंदर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप आते ही 500+ मेंबर्स की ट्रेनिंग करवा सकें, ठीक है? स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको टीचर का सपोर्ट करना पड़ता है, सही? कि आप यकीन करें कि जब मैं इस कंपनी में आई थी, मैं ऐसी थी कि मैं इतना कम बोलती थी कि मुझे घर वाले कहते थे पता नहीं अल्लाह पाक ने गूंगी पैदा कर दिया घर में, ठीक है? लेकिन यार इसे बता दो, कॉल पे गाइड कर रही हूँ, मुँह पे बंटे हैं आपके। हाँ तो ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन करें अभी भी ऐसे ही है। मेरे घर में मैं बिल्कुल बात नहीं करती, कोई कहे ना बात करो, मैं पूछती हूँ यार क्या बात करूँ, कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी कंपनी की बात करने पे आती हूँ तो फिर बड़ी बातें खत्म ही नहीं होती, वो फिर सामने खड़े होकर देख रहे थे कि यार कि वही काजम होते हैं। अच्छा बोलती हैं, मेरी बहुत खामोश तबीयत है कि मतलब मेरे बाबा तरस जाते हैं मेरी बात सुनने के लिए कि यार कुछ तो बोलो। मैं उनसे कहती हूँ कि यार क्या बोलूँ, नहीं पता क्या बोलूँ, कोई बात ही नहीं होती। मैं कहा मेरी कौन सा कोई सास ससुर है जिसकी मैं गिफ्टें करूँ। अच्छा तो ये चीज़, तो ये हो गया कि अभी अब आते ही मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन सकती, तो पहले आपको सीखना होगा, ठीक है? आज मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ ना
इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, और सारी मेरी कंपनी की, मेरी टीचर्स की, मेरी सीनियर्स की मुझ पर एफर्ट है, मुझ पर मेहनत है, ठीक है, कि जो चीज़ मुझे मेरी 20 से 21 साल की पढ़ाई ने नहीं दी, वो मुझे इस कंपनी ने 1 से 13 महीने में दे दिया माशाल्लाह। अब मैं किसी भी पर्सन से कहीं पे भी कैसी भी बात कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, और माशाल्लाह विदाउट हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सही हो गया। तो ये चीज़, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, जो हमारा थर्ड डिपार्टमेंट है। आपने जाकर गूगल पे सर्च करना है कि 21st सेंचुरी का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो नेटवर्किंग है, ठीक है। और नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने जूनियर्स को कामयाब करवाना होता है, हमारा मकसद यहाँ पर लोगों को लाना नहीं होता, क्योंकि लोगों को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, गली में खड़े होकर काम कर रही है ना, कौन नेटवर्किंग काम कर रही है, कौन ये जो कमल रखी है टिकटॉक पे पोस्ट डालना और फेसबुक पे और इस तरह। जी डियर, मैं आपको बताती हूँ क्या करती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कमल जो है वो एज अ नेटवर्कर काम नहीं कर रही, एज अ नेटवर्कर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एज अ इन्विटेटर और एज अ नेटवर्कर काम कर रही हूँ, ठीक है। जो वो है वो भी एज अ इन्विटेटर काम कर रही है। नेटवर्कर का काम बेसिकली क्या होता है कि अपनी टीम के इंटरव्यूज कंडक्ट करना, उनका अकाउंट बना के देना, उनके माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखना, उनको जितने भी इश्यूज हैं वो उनके सॉल्व करना। अब जैसे कि आप एक क्लाइंट हैं, मेरी मेम्बर से नहीं हैंडल हुई, तो मैंने खुद उन्हें आगे भर के गाइड कर दिया कि नो इशू, मैं हूँ, मैं कर देती हूँ। तो वो तो आपके नीचे लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो आपने कहाँ से हायर की हैं वो लड़कियाँ? जी डियर, देखिए जैसे आप मेरे पास आई हैं ना, है ना, वैसे ही गर्ल्स आती हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई बनी बनाई टीम ले लिया, क्योंकि देखिए अब जैसे मेरी एक सीनियर थी ना, वो बीमार हो गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी टीम को संभालें जब तक मैं ठीक नहीं होती, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसकी किस पर्सन की कैसी नेचर है, कैसे उन्हें डील करना। अब जैसे मैंने आपसे बात की ना, मुझे आपके मेंटल लेवल का पता चल गया कि आपको कैसे लेके चलना है, आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको बात समझानी है, किस लहजे में आपको बात समझानी है, ठीक है, मुझे आपकी नेचर का पता चल गया। और ऐसे ही मेरी टीम में एक एक मेंबर है ना, मुझे उन सब की नेचर का पता कि कौन है, कैसा है और उसे कैसे लेके चलना, सही है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप अपने मेंबर्स को खुद लेके आते हैं ना, आपको उनके नेचर का पता होता है। लेकिन अगर आपको बनी बनाई प्लेट सज के मिल गई है, तो आपको पता नहीं है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लोग आपके पास खुद चल के आते हैं, सही, इजी हो गया, सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जी बोलिए। ओके, तो यहाँ पे हमने, मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्कर का काम होता है कि अपने से जूनियर्स को कामयाब करवाना, क्योंकि नेटवर्कर की कामयाबी अपने जूनियर्स की कामयाबी में है, ठीक है। जूनियर्स कामयाब होंगे ऑटोमेटिकली नेटवर्कर कामयाब होगा, ओके, हो गया। तो ये भी डिपार्टमेंट गया। अब हम लास्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इन्विटेटर का डिपार्टमेंट, ठीक है। इन्विटेटर के डिपार्टमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसी डिपार्टमेंट में आपने आके वर्किंग कर लिया, ओके। तो जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाती हैं, इंस्टीट्यूट में जाके आपको डायरेक्ट तो सीनियर तक रसाई नहीं मिल जाती ना, कि आप डायरेक्ट सीनियर तक चले जाएं, किसी बैंक के मैनेजर तक चले जाएं, नहीं, वहाँ पे हमेशा एक रिसेप्शनिस्ट होती है, वहाँ पे आप जाके अपने इशू बताती हैं, ठीक है। तो अगर तो वो रिसेप्शनिस्ट हैंडल कर दे वेल एंड गुड, अगर नहीं हैंडल हो रहा फिर सीनियर तक परमिशन होती है। वैसे भी कमल से हैंडल नहीं हुआ, वो इन्विटेटेड है, तो उसने सीनियर तक बात पहुँचा दी कि आप काइंडली इस काम को हैंडल कर लें, तो मैंने कर लिया, ठीक है। कि सीनियर जो एक इन्विटेटर का काम होता है वो यही होता है कि सीनियर और जूनियर के दरमियान कनेक्शन का काम करना, ठीक है, उनका एक कनेक्शन करवाना, वरना आप कहाँ, मैं कहाँ, किधर हमारी बात होनी थी, ठीक है। आई तो आप कमल के थ्रू ही हैं, सही होगा। तो ये चीज़ होती है कि आपको अब जैसे गाइड करना, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है, इस कॉल से पहले आपके माइंड में बेतहाशा नेगेटिविटी थी, फेक ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, बाहर जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या क्या, ठीक है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके माइंड में सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ईजी स्मूथली पानी बह रहा होगा सारा कुछ, कोई भी मतलब ऊपर है ना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, सब अपनी जगह सेट है, फिट पार्ट है ना। अब आपने पता क्या करना है, जी जी, बातें आप माशाल्लाह अच्छी थी, सब भी आ गई थी कि अच्छा गाइड किया आपने। आपको आपने मुझे वो ये बताना है कि मैंने क्या काम करना है और वो कैसे करना है, यानी कि टिकटॉक के थ्रू करना है या फिर यूट्यूब पे करना है, किस पे करना है और रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, ये वाली चीजें आप मुझे वॉइस पे गाइड करिएगा, क्योंकि वॉइस पे बहुत अच्छी बात होती है।
चले डियर, वो फिर आपके लिए ना बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो फिर आगे ट्रेनिंग है मेरी, फिर उसके बाद आप बात कर रहे हो तो मुझे समझ लग जाएगी, लेकिन मजीद अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ बातों की समझ आ रही, कुछ की नहीं भी आ रही। मतलब ये तो पता है काम ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे कहती हूँ कि वो मुझे आपने फिर बताते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मैंने आपको बता दिया कि हर स्टेप पे आपको लेके चला जाएगा, कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? ये मतलब मैंने आपसे पूछा, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, बगैर शर्माए सीधा क्वेश्चन करें। शर्माना कुछ नहीं है, ठीक है? जब तक शर्माएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे, सीधा सीखें। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आपने यहाँ पे इन्विटेटर के तौर पे काम करना है। इसकी ना आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी 2 दिन की, जो आपको हमारी कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर देंगे, जो कि अपनी लाइफ में कामयाब तरीन पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? उन्होंने अब देखें आपको टाइम देना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तब हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो फ्री में आके आपको गाइड करेंगे, ठीक है? अब जैसे आपने वो भाई को कहा कि मेरे हस्बैंड नाइट से ही करने गया, तो अगर आपको पता होता कि वो काम करने का कोई पैसे नहीं मिलने, तो क्या आपने अपने हस्बैंड को जाने देना था? कहता टिक के बैठो, इधर नहीं बैठो, क्या जरूरत है जाने की? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है कि ये चीज़ है कि जब इंसान ने कोई टाइम देना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, क्योंकि अब हर तो दूसरा तीसरा पर्सन जाके नेट नहीं सही कर लेता। जैसे हमारा नेट ख़राब होता है, हमारे सांस उखड़ जाते हैं, वो नेट वाले को फ़ोन काट के कि भाई आ जाए। अब हम किसी को तो फ़ोन मिला के नहीं आ देते कि आप आ जाओ, जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, वही आएगा ना गाइड करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है कि माशाल्लाह अगर मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको टाइम देना, गाइड करना, तो वो भी बैक पे कुछ पे करेंगे, ठीक है? फ्री में इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है? तो उसके लिए आपने 500 ट्रेनिंग चार्जेस पे करने हैं, जो कि फ़ीस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? उन्होंने आपको अपना टाइम देना है, उसकी फ़ीस है, ठीक है? तो आपके प्रॉपर गूगल मीट के ऊपर लाइव मोटिवेशनल स्पीकर के साथ ट्रेनिंग होती है। तो आपने मुझे बता देना कि आपको इजी पैसे नंबर चाहिए। जी, रजिस्ट्रेशन की फीस 500 है ना? तो रजिस्ट्रेशन अच्छा, 500 हाँ, वो और उसके बाद कौन सी पे होगी? हाँ जी, तो वो आपकी जो है ना माशाल्लाह, हाँ जी, तो वो कल आपकी ट्रेनिंग है, उसके बाद आपकी जो है ना 2 दिन की ट्रेनिंग होगी गूगल मीट के ऊपर। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जो कि हमारी कंपनी के नेटवर्कर्स लेते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है? तो अकाउंट एक्टिवेशन की डिटेल उन्हीं के साथ शेयर की जाती है जो कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करते हैं, ओके? तो वो क्योंकि थोड़ी सेंसिटिव डिटेल होती है, वो उन्हीं को बताई जाती है जो इस कंपनी का इंटरव्यू पास कर लेते हैं, सही? इंटरव्यू पास करने के लिए सिर्फ आपने ट्रेनिंग को ध्यान से लेना होता है, समझना होता है, ठीक है? क्योंकि हमने भी ये चीज़ देखनी होती है कि आया हम जिस चीज़ को, जिस पर्सन को हायर करने लगे हैं, वो हमारी कंपनी के काबिल है भी कि नहीं, ठीक है? और इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं होती, अगर आप ध्यान से सुने तो हर पर्सन समझ जाता है ट्रेनिंग को, ओके? हाँ जी, तो अब आपने मुझे बता देना आपको कौन सा एग्जैक्टली कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है ना कामयाबी का, वो आपका बिहेवियर होता है, ठीक है? और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से कर लेंगी। और अगर आप में ये चीज़ है कि आप लोगों को इग्नोर करना जानते हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि अच्छे लोगों को भी इग्नोर करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना जानते हैं, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानियों की नेचर होती है कि आप एक सिर्फ कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो 100 लोग आपको सामने से मिलेंगे कि यू कॉन्ट डू इट, तुमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, घर बैठ के पैसा कमाना इतना आसान होता तो पूरी दुनिया कमा लेती, पाकिस्तान अमीर हो जाता। ये सारी चीज़ें हम फेस करके आ चुके हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों से निकल के आना ही बड़ी बात है, सही हो गया? ओके, तो अब ठीक है, तो अब मैं आपको प्रूफ्स वगैरह भी शेयर कर दूँगी, लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया, मैं चली हूँ ट्रेनिंग लेने, ताकि मैं और अच्छा सीनियर से सीखूँ, आपको और अच्छे से सिखा सकूँ, ओके? अब मेरी बात सुनिए, सिर्फ 2 बातें मेरी सुनिए, उसके बाद फिर टाटा टाटा बाय बाय। फर्स्ट ये है कि अगर मैं कोई भी वॉइस करूँगी तो आपने मुझे ये नहीं कहना कि आप कौन है, मेरा नाम साथी है, आपकी जान
लंबी बातें करके फिर आपने बाद में मैसेज कर दिया था कि कौन, मैंने आपका नंबर सेव नहीं था क्या? अभी मैं आपको बता, अभी ना मैं कोर्सेज भी करवा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, तो उसके ऊपर मसला 400 मेंबर्स हैं जिन्हें मैं कोर्स सिखा रही हूँ इंग्लिश का, तो फिर उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं ना, फिर मैं पूछती हूँ कि किस मकसद के लिए, क्या किसी का इंटरव्यू होता है, किसी का अकाउंट बनाना होता है, और डिफरेंट डिफरेंट इशूज होते हैं इस वजह से, ठीक है? अच्छा, वो चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपने मेरे लिए सिलेक्ट किया, आपने उसके बारे में मुझे मकम्मल फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वॉइस पे जो पूछूंगी वो मुझे डील करते रहिए, ठीक है? डन हो गया, वॉइस पे ओके। और आपको मैं प्रूफ्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी। बाकी ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे भी हस्बैंड आके मैं भी खाना देने लगी हूँ, आप भी रिलैक्स होकर अपनी मीटिंग करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका इतना सुनने के लिए और कॉपरेट करने के लिए अपनी दुआ में। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो भूल जाएं, अच्छी बातों का याद ले जाएं, साथ ले जाएं। और